नमस्कार, मैं हूं शालिनी झा और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज हमारी टीम कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी 158 में पहुंच चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तीनों बड़ी बड़ी पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को चुन लिया है। जैसे कि टीएमसी से हैं फिराद हकीम, बीजेपी से हैं अवध किशोर और कांग्रेस जोट पार्टी से हैं कौन है मोहम्मद मुख्तार। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे जनता की क्या राय है इनके बारे में। अंकल, जैसा कि आप जानते हैं, तीनों पार्टीज ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो चुन लिए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन आएगा और आप किसको सपोर्ट करेंगे? टीएमसी। ऐसा क्यों कि फिराद हकीम मैंने पर्सनली यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किए उन्होंने यहाँ पे? जहाँ पर बैठे हुए हैं यहीं की अवस्था आप ये कीजिए। अच्छा। देखिए नहीं तो आज मैंने इसके पहले जो है यहाँ की अवस्था बेहद खराब थी। आज ये फिराद की देन है। इस मंदिर की सारी जो डेवलपमेंट का काम है वो उन्होंने किया है। उन्होंने। अच्छा, तो आप उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अच्छा, अगर वो आते हैं यहाँ पे तो आपको क्या उम्मीदें हैं और वो क्या करेंगे इस जनता के लिए? यहाँ पर तो ड्रेनेज और पानी की ही ये है। सड़क तो मोटी मोटा ठीक ही है, तो इसी में थोड़ा मैंने आशा किया जा रहा है कि पानी और मैं ड्रेनेज व्यवस्था में कुछ और सुधार करेंगे। पानी और ड्रेनेज व्यवस्था में आपको और ज्यादा सुधार चाहिए यहाँ पे, और आपको लगता है उनके आने से हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, और अंकल आपको क्या लगता है आप किसको सपोर्ट करेंगे इन तीनों में से जो तीनों नाम हम लोगों ने लिए? देखिए, इस बार तो तृणमूल के यहाँ सपोर्टर ज्यादा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि तृणमूल के इसलिए सपोर्टर है कि यहाँ पर तृणमूल का सब काम किया हुआ है। अच्छा। जैसे ये सब बना है वही सब बना के गए हैं, इसलिए उसका सपोर्टर इस बार ज्यादा। अच्छा, स्वस्थ साथी जो ये अभियान था उसके अंदर आपको क्या फायदे हुए हैं? बहुत सा फायदा है। हुए हैं? आप बता सकते हैं? सफाई हमेशा होता रहता है। अच्छा, वो कार्ड आपको मिला? नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। अंकल, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में तो ऊपर वाले को करने के लिए हम लोग तो सपोर्ट मोदी जी करते हैं। अच्छा। मोदी जी को और 10 साल आगे यहाँ आना चाहता रहा। अच्छा, इस बार बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं अवध किशोर गुप्ता, उनको आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उनके आने से और क्या डेवलपमेंट होगा यहाँ पे? उनके आने से डेवलपमेंट होगा ऐसा बात नहीं है, बाकी सरकार जो है दिल्ली की रहेगा तो और बढ़िया सुविधा जो है। अच्छा, आपके हिसाब से और बढ़िया सब कुछ होगा? थैंक यू। चलिए और लोगों से बातें करते हैं। अंकल, इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पूजा कर रहे हैं, चलिए दूसरे लोगों से बात करते हैं। इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीनों जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं तीनों ने अपने कैंडिडेट्स चुन लिए हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? ये मैं खुलासा नहीं करूंगा। अच्छा, खुलासा नहीं करेंगे। अच्छा, बताइए डेवलपमेंट, जैसे कि पहले विधायक रह चुके हैं टीएमसी के, जो अभी टीएमसी के कैंडिडेट्स चुने गए हैं, उनके अंडर में और क्या क्या काम हुआ है? मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो पहले बेंगलोर में था। अच्छा, यहाँ आया हूँ, 1 महीना हो रहा है, जानकारी है ही नहीं। अच्छा, इनके पास कोई जानकारी नहीं है, ये कोई कमेंट नहीं देना चाहते। चलिए अब यहाँ के पुजारी से बात करते हैं। पुजारी जी आइए। यहाँ की आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं, बच्चे तो ये है इस मंदिर के पुजारी जी। चलिए हम लोग इनसे कुछ बातें करते हैं। इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीनों पार्टीज ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो चुन लिए हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? सुनिए, हम बोलता है, हम तो नया है, 2-4 दिन का लिए है, हमारा पिताजी काम करते हैं अंदर में है। अच्छा। हम यहाँ का कुछ नहीं जानते, गांव का आदमी है, समझे ना? अच्छा, तो आप यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं, विधानसभा के लिए 4 दिन आया, 4 दिन के लिए, हमारा पिताजी यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ नहीं रहते,
इसीलिए हम आपको बोल रहा हूँ, यहाँ जानकारी नहीं है। तो आप कोलकाता के नहीं हैं? नहीं हैं, हम गांव का आदमी हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ उधर पूछ ली। अंकल जैसा कि आपको पता है कोलकाता पोर्ट में पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में तीनों बड़ी बड़ी पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स चुन लिए हैं, तो आप इस बार किसको सपोर्ट करना चाहेंगे और क्यों? हम तो सपोर्ट करते हैं टीएमसी को। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोगों के एरिया का बॉबी हकीम बहुत काम किए हैं बेचारे। अच्छा। ये भूई क्लास का सब गेट फेट हैं तेन सब बनवाए हैं, बहुत कुछ काम किए हैं। हाँ। अच्छा लीडर है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा तो अगर वो आते हैं दोबारा यहाँ पे आप लोगों के सपोर्ट से, तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है और क्या क्या डेवलपमेंट होगी यहाँ पे? अब डेवलप आगे बार आएंगे तो एक बार तो इतना किए हैं, आगे बार और भी कर सकते हैं, और कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ ये जो महंगाई है, जो गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इससे जो आम जनता है उनके बजट पे काफ़ी असर पड़ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या टिप्पणी देंगे? इसका बारे में क्या टिप्पणी दे सकता है, ये तो गैस फैस का है तो ये तो सेंट्रल का है। हाँ। ये तो वहाँ से जो कुछ करेंगे, राज्य सरकार तो इस पर कुछ नहीं कर सकता है। तो जो आप लोगों का जो बजट है वो अफेक्ट हुआ होगा? है? किसी तरह से बजट जो होता है घर का वो अफेक्ट होता है इससे? हाँ कुछ बजट बढ़ जाता है। अच्छा। खर्चा बढ़ जाता है, वहन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। तो इससे काफी परेशानी आई? परेशानी होती है। क्या लगता है अंकल इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम नियुक्त कर दिए गए हैं? रगई सपोर्ट की बात नहीं है, देखिए। अच्छा। जो अच्छे काम करेंगे, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। हाँ। आप लोगों को भी मतलब देखते होंगे कि कौन अच्छा करेगा कौन नहीं करेगा, ये ठीक है। मैं पार्टी नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ जो भी कोई लोग अच्छा करेंगे उनकी अच्छाई होगी। आज सपोज कीजिए हम लोग को यहाँ ये जो भूकलासगढ़ है इसमें मंदिर का थोड़ी सी बहुत था, इसके बाद इन्होंने जो भी जैसा भी किया, कोई भी फंड हो चाहे वो अपने सरकार की हो चाहे केंद्र की हो, कहीं से ला के इन्होंने तो कुछ किया कि आदमी आज बैठा है, सब कुछ कर रहे हैं। रह गई बात जो अपने जो कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब इन लोग उन लोगों के ऊपर है। गैस की जैसे पूछे कि अब गैस की दाम बढ़ गई, तो गैस की दाम बढ़ गई तो कोई भी सरकार आएगा, जैसे मान लेते हैं दीदी ही आएगी सरकार बनाएगी केंद्र में रहेगी, तो दीदी अगर रहेगी तो उसको भी देखना होगा, वो पूरे भारत को देखना होगा। ऐसा नहीं है अगर गैस सिलेंडर की दाम बढ़ी है तो उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, बीजेपी वाला का दोष कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे ना। मान लेते हैं कल दीदी ही अगर उस पोजीशन पर पीएम बने, तो क्या दीदी को भी सारे भारत को देखने के लिए कहीं से उसके मूलधन की ज़रूरत होती है जिससे सारे देश को चलाना होता है। अच्छा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये तो आना जाना और ये तो अपने घर की खेती है नहीं, ये तो सारे कोई भी रहे तो घर की खेती है नहीं, ये सारे आदमी के पास एक ही चीज़ होगा। जो नरेंद्र मोदी किए हैं वो सारे हर आदमी करेंगे, समझे। तो देखिए हार जीत तो लगी हुई ही है, आज आप अच्छे कर रहे हैं तो आपके अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे किए हैं तो बहुत मीडिया वाले भी फंसे। कल ये जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि बंगाल में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता अच्छी तरह से, तो अगर उनकी सरकार आती है यहाँ पे तो वो लोग इस त्यौहार को अच्छे से मनाने दिया जाएंगे जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं मनाने दिया जाएगा ऐसा नहीं है, आप जिस तरह अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है जिस तरह चल रहा है, इसलिए तो कैसे भी सरकार से या केंद्र जैसे भी हो जिस राज्य में हम रह रहे हैं इस राज्य से तो आपको लेना ही होगा। अब बीजेपी आ जाएगा ऐसे छोड़ देगा ऐसा नहीं है, कोई भी आएंगे उसको आधार से ही चलना होगा, वो नहीं है कि सारे आदमी को फ्री दे देंगे कि तुम ये पूजा करो, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा को मनाने में? दुर्गा पूजा मनाने में क्या दुर्गा पूजा दीदी का पूजा नहीं है, दुर्गा पूजा क्या बीजेपी में जो आदमी है उसका नहीं है, सारे आदमी को पूजा तो सारे धर्म के लिए है। जो हिंदू हैं उनके लिए पूजा है, जो मोहम्मदन है उनके लिए हर और भी है, जैसे वो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे
मिला जुला के देखा जाए तो बराबर है। रह गई बात कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, वो तो आपकी समझ की बात है। अच्छा, ये जो इस बार हुआ था लॉकडाउन की वजह से ही परेशानी हुई थी ना, इसके अलावा तो कभी परेशानी नहीं हुई दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करने में? हाँ, दुर्गा पूजा के लिए जैसे हर जगह, जैसे पहले के आकांक्षा अभी इस वर्ष मैंने जैसे गया लॉकडाउन, मैं न तो उनको बोलेंगे तकलीफ, किसी को बोला नहीं जा सकता, ऐसा मोमेंट ही है जो हर व्यक्ति को इसको मानना होगा, करना होगा, आधार नीति से ही चलना होगा। ऐसा नहीं है अब केंद्र पूछ देगा कि ऐसे आप लोगों के यहाँ ज़्यादा फैल गया, तो इस तरह से सारे जितने भी सीएम हैं सबों को उनका बात को सुना। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी नहीं सुनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ममता भी दीदी सुनी, सारे आदमी यहाँ भी लॉकडाउन रखी, ऐसा नहीं है, सारे को सुना माना, रह गई की बात। अब पार्टी पॉलिटिक्स है तो इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जो अच्छा करेंगे वो अच्छा पाएंगे, बस यही। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो इस बार का इलेक्शन का मुद्दा है वो रिलीजन के बेसिस पे होगा या फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे? नहीं, इस बार क्या है देखा जा रहा है, जैसे मार्केट में आप भी इधर उधर जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि आदमी का कुछ ज़्यादा दिन होने से ना एक आदमी ये हो जा रहा है, पहले अनपढ़ व्यक्ति थे, हमारे पूर्वज बोलते थे कि बेटा हम लोग को दादा बाबा जितने भी थे पुराने सबको बोलते थे कि इस पे देना, तो सारे आदमी जितने भी बुजुर्ग थे बाबा दादा सब एक ही में डालते थे, इसलिए कांग्रेस की मनोबल थी। आज सारे व्यक्ति छोटे से बच्चे तक पढ़ रहे हैं, स्कूल दाखिला है, उनको खुद मालूम है कि मैं क्या करूँगा, तो आज कोई भी चाहता है कि आगे की उन्नति हो। लड़के बच्चे पढ़ लिख के आज बेरोजगार बैठे हैं, उसके कुछ सुझाव हो तो ऐसा तो चलता रहेगा। थैंक यू अंकल। आइए अब कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि उनके क्या राय है। ये लोग तो बात ही नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों। चलिए और लोगों से पूछते हैं। इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है तो तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स को नियुक्त कर दिया गया है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? अब हम किसको बताएं, जिसको मेरे हस्बैंड करेंगे उसको हम भी, जिसको हस्बैंड करेंगे उसको सपोर्ट करिएगा। हाँ, हम कैसे, मेरे हस्बैंड बोलेंगे इसको दो, तो हम जहाँ बोलेंगे वहीं ना देंगे। नहीं, ऐसा क्यों? आपकी जो अपनी इच्छा होगी तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए, ना कि हस्बैंड जो बोल रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, मेरा जहाँ हस्बैंड बोलेंगे उनका बात ज़्यादा सुनती हूँ। उनका बात आप ज़्यादा सुनती हैं? अच्छा, वो लोग को राजनीति के बारे में ज़्यादा पता है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो मतलब मोदी जी ने कहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? ये सच है, ये बात तो सही बोले हैं। अच्छा, लेकिन जो सीएम हैं अभी वो तो गारंटी देती हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो महिलाएं हैं बंगाल की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो क्या बोले, हम बोलेंगे तो हर जगह देख रहे हैं, वही बात, अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पे भी है, ऐसा हो ही रहा है। अच्छा, तो आप अगर कोई भी सरकार यहाँ पे आती है तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहिए आपको? अब हम क्या बताएं? सुरक्षा चाहिए और क्या? सुरक्षा चाहिए। अच्छा, कैसी मतलब अभी जो है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, अभी की सुरक्षा से, महिलाओं को लेके जो सुरक्षा है? हमारे संतुष्ट रहने से क्या पब्लिक और कुछ बताएंगे? पब्लिक बताएंगे, हम अकेले क्या बताएंगे? नहीं, आप अकेले से हम लोग तो नहीं बात कर रहे ना, जैसे कि आप महिला हैं यहाँ की वासी हैं। महिला हम लोग बाहर कम निकलते हैं, ये सब थोड़ा लड़की लोग से पूछिए, वो लोग थोड़ा ज्यादा बताएंगे। क्यों, आप क्यों नहीं बता सकते? आप इसलिए नहीं बता सकते कि हम लोग थोड़ा बाहर का माहौल कम देखे हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं। अच्छा, कि इतना जहाँ तक लग रहा है कि नहीं है यहाँ पे सुरक्षा। पूजा करने आई थी यहाँ पे? नहीं, इसी तरह आए थे, ऐसे ही घूमने, शाम को घूमने। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम नियुक्त कर दिए गए, तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम नियुक्त कर दिए, तो आपको क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट करना चाहती हैं इस बार? जो देश के लिए अच्छा करे उसको सपोर्ट करेंगे, जो देश के लिए अच्छा करे। अच्छा, आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि महिला सशक्तिकरण को आगे
बढ़ाना चाहिए, लड़की लोग को सुरक्षा होना चाहिए, और जो लड़की लोग को अनकेयर करता है, लड़का लोग को ज़्यादा ये होता है, तो लड़की लोग को अभी सरकार को की सपोर्ट करना चाहिए। जो लड़की लोग पढ़ लिख कर अभी घर में बैठी हुई है, उसको परीक्षा देकर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, रिजल्ट निकल गया तो कोई नौकरी का ये व्यवस्था नहीं हो रहा है, ये सब सरकार से हम लोग मतलब रोजगार हम लोग हाँ कि लड़की लोग लड़का लोग पढ़ कर भी घर में बैठा हुआ है, ग्रेजुएशन कर लिया है, कोर्स कर लिया है, लेकिन अभी कुछ पाया नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि मोदी जी ने कहा है अपने भाषण में कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो रोजगार बढ़ा देंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, वो तो कह रहे हैं बढ़ाएंगे, तब तो हम जानेंगे कि बढ़ाएंगे। कहना तो आसान है लेकिन करना ही तो कठिन होता है। अगर करके कोई सरकार दिखा दे तो मानेंगे कि हाँ कर रहा है। अच्छा, तो आपको बस इतना चाहिए कि महिलाओं का जो आगे उन्नति है वो आगे उन्नति होना चाहिए। अच्छा, महिला को उन्नति होना चाहिए। आपको हमको सबसे बड़ा, हम भी, हमारी भी लड़की है, लड़की सुरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, लड़की के लिए शासन कड़ा होना चाहिए, चाहे जो सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे तिरमूड़ आए, लड़की के लिए शासन कड़ा हो चाहिए। लड़की के संगे ज़्यादा अत्याचार होता है, और उसके लिए एक दो चार ठो नेता आएंगे बस तोप देंगे। उन लोग का गलती, लड़का लोग का गलती नहीं देखते हैं, लड़की का हम ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार देखते हैं। तो जो कानून व्यवस्था है बंगाल की वो ज़्यादा सशक्त होनी चाहिए। हाँ, कानून टाइट होना चाहिए। अच्छा, लड़की के लिए ज़्यादा, और तो कमाने खाने का सबको है, सब कमाई करेंगे, लड़की सुरक्षित रहना चाहिए। हम लोग को इसी बात का डर रहता है। अभी तो हम लोग को भाई लड़की सियान नहीं है, लेकिन हमेशा इसी बात का डर रहता है। थैंक यू। आप भी इस बारे में यही कहना चाहती हैं? हाँ, लड़की भी सुरक्षित होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए सुरक्षित के अलावा भी, कि लड़का लड़की जो पढ़ कर बैठा हुआ है, जो इतना मेहनत किया हुआ है, उसके लिए कुछ सरकार नहीं सोचेगा तो उसके लिए तो परिजन भी तो परेशान रहेगा। अच्छा, ये जो स्वस्थ साथी है अभियान जो है, हाँ, उसके अंतर्गत आपको कोई फायदा मिला है? अभी तो हम लोग को फायदा नहीं मिला है, लेकिन आगे हो सकता है, अगर कुछ हो, भगवान न करे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए, ये तो नहीं कोई जानता है कि मेरे घर में कोई ऐसा बड़ा बड़ा बीमारी आए। अगर आ जाए तो जब स्वास्थ्य साथी मिला है तो हो सकता है। कार्ड है आपके पास? हाँ, कार्ड मिला है। थैंक यू आंटी। आपको क्या लगता है इस बार आप जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स को नियुक्त कर दिया, तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को? ऐसा क्यों? ऐसा नया आना चाहिए, इतना साल तो ये करे हैं। अच्छा, बंगाल को परिवर्तन चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट नियुक्त हुए हैं, अवध किशोर गुप्ता, उनको आप जानती हैं? नहीं, जानते तो नहीं है। नहीं जानती हैं, तो उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या कैसा काम करेंगे वो यहाँ पे? काम तो अभी तक कुछ किए नहीं है, मगर करेंगे। अच्छा, कि क्या पता नहीं। अच्छा, स्वस्थ साथी जो है अभियान, उसका आपको कार्ड मिला है? नहीं 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 मिला है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, यहाँ की जनता की राय, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हम आपको आगे भी, आगे की कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी